पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार बदमाशों पर काल बनकर टूट रही है। मुजफ्फरनगर में 1 लाख के इनामी बदमाश रोहित सांडू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद मार गिराया। मेरठ में भी रोहित सांडू के 2 साथी पुलिस की गोली का शिकार हो गए। दोनों बदमाशों पर 50,000 का इनाम था। बता दें आपको, मेरठ पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि 2 बदमाश एक स्कॉर्पियो कार लूटकर भाग रहे हैं। पुलिस ने चिरोड़ी गांव के जंगल में बदमाशों की घेराबंदी कर ली और अपने आप को चारों तरफ से घिरा दे। एक बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया, जिसमें CO जितेंद्र सरगम और एक सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की, जिसमें दोनों बदमाशों को गोली लगी। एक बदमाश की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे को हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दिन में 11:15 पे निकुंज चौधरी नाम के व्यक्ति से 2 बदमाशों ने, जो कि मोटरसाइकिल सवार थे, उनका स्कॉर्पियो छीन लिया था और उसके बाद से वो लोग दौराला सरधना मार्ग की तरफ भागे थे। उस मार्ग पे कुछ दूर जाने के बाद से जब पुलिस को ये सूचना मिली, वहाँ मुठभेड़ हुई जिसमें से 2 बदमाश घायल हुए, 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पुलिसकर्मी जो घायल हुए हैं वो CO सरधना हैं और उनका एक हमरा सिपाही है, और जो बदमाश घायल हुए उनका प्राथमिक उपचार CHC में, CHC दौराला में कराया गया।